सबसे पहले आपके पास आते हुए शाहनवाज हुसैन साहब, पसंद नहीं है तो एनकाउंटर वाला अंदाज है योगी आदित्यनाथ का अपने ही राज्य में। अब आपको अखिलेश यादव के मूवमेंट पर नजर रखनी पड़ रही है, इतने डर गए हैं आपके मुख्यमंत्री जी। देखिए, कोई डरे हुए नहीं है, बल्कि अपराधी डरे हुए हैं इस सरकार से, आतंकी डरे हुए हैं इस सरकार से। किसी नेता को डरने की जरूरत नहीं है और अखिलेश यादव को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो जब सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि अभी प्रयाग में कुंभ चल रहा है, सारी व्यवस्था लगी हुई है कुंभ के अंदर, ये अखिलेश यादव जी खुद भी कुंभ स्नान करके आ गए और वहां पर वो सारी पुलिस, सारा इंतजाम, महकमा कुंभ में लगा है और प्रयाग में जाकर वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ राजनीतिक गतिविधि चलाना चाहते हैं। मैं याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब 2015 में योगी आदित्यनाथ जी को जो सांसद रहते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे तो इन्होंने 144 धारा लगा दी। तो आप बदला ले रहे थे? तो योगी जी ने सिर्फ पहले इन्फॉर्म किया, इसी का बदला ले रहे थे योगी जी आज। लेकिन समाज हम कोई बदला नहीं ले रहे, इसी का बदला। इन्होंने बिना अनुराग भदौरिया को दिखाई के रोका था, हमारे तर्क के साथ रोका। अनुराग भदौरिया को दिखाई इनके, ये बदले की राजनीति, हम बदले की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पर ये काम उनका है, हमने तो नहीं ध्यान में रखकर ठीक है भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक, कि जो आपके तरीके थे वही ये भी अपना रहे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी आज तक कौन सी ऐसी जगह गए हैं उनके जाने से वहां दंगा हुआ हो, एक घटना बता दीजिए मुझे। मैं योगी जी का गिना सकता हूं, आजमगढ़ गए तो हुआ था, गोरखपुर जब वो थे तब उन्होंने दंगा हुआ, और जब इलाहाबाद जाने की कोशिश कर रहे थे तो प्रशासन ने नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपस में आने से यूनिवर्सिटी रोका था, इलाहाबाद जाने से नहीं रोका था हमने। आप मुझे इलाहाबाद जाने से रोक रहे हो, मैंने कहा कि मैं छात्र संघ के उस कार्यक्रम में जाऊंगा, अगर आप नहीं जाने दोगे तो इलाहाबाद में रुकूंगा। आपने आनंद हमारे जो गिरी जी है, गिरी जी आचार्य जी, उनके खाना खाऊंगा, छात्र काल में वापस आ जाऊंगा। अखिलेश यादव जी कौन सा पंप पिस्तौल लेके जा रहे थे अखिलेश यादव जी के पास? अखिलेश यादव जी के ऊपर कौन से मुकदमे हैं ये देखिए, आदित्य योगीनाथ के ऊपर में तो कम से कम 20-25 मुकदमे हैं, ये पेपर देख लीजिए तो उनपे मुकदमे। हम बताए प्रशासन उनको उनको रोकना चाहिए कि उनके जाने से उनके मुकदमे, डिप्टी सीएम के ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, जो वहां से सांसद है की सरकार में यादव जी का कागज दिखाइए दंगे होते थे, नजर आएगा कोई उनका आपराधिक मुकदमा नहीं है। आपने तो अयोध्या से लेकर मुजफ्फरनगर तक चारों तरफ दंगों के अलावा किया क्या है? उनकी रेकी कराते कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इतना डर गए समाजवादी दंगा पार्टी है। आपके राज में दंगे होते थे, आपके राज में गोली चलती थी, आपके राज में कार्यसेवकों को गोली मारी गई, आपके राज में मुजफ्फरनगर से लेकर पूरा पूरब में आपने दंगे कराने का काम किया। छात्रों से आज दंगा नहीं है कहीं, मिलते योगी आदित्यनाथ के राज में कहीं दंगा नहीं है और दंगा करने की इजाजत नहीं देने वाले। अनुराग जी का कैमरा जूम नहीं हो सकता क्या? बहुत दूर दिख रहे हैं, तो क्यों रोका को? इसलिए अनुराग जी, अनुराग जी ऐसा है ना सर, आपसे पूछ रहा हूँ ना, पुराना हिसाब दिखाया ना शाहनवाज जी ने, इलेक्शन हुआ यही तौर तरीके पहले अखिलेश यादव भी तो अपनाते थे, इस पर क्या जवाब दीजिएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप करें तो सही, ये करें तो गलत। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में समाजवादी पार्टी छात्र सभा जीती, एबीपी के बीजेपी के लोगों ने पूरा होश ये छोड़िए ना, क्या प्रशासन ने 2015 में योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने क्यों रोका था? क्या प्रशासन ने बम फोड़ने वालों का अरेस्ट किया? नहीं किया भदौरिया जी, क्योंकि अरेस्ट नहीं करते बीजेपी के लोगों को। भदौरिया जी 2015 में अखिलेश यादव जी ने यही काम योगी आदित्यनाथ जी के साथ क्यों किया? हम लोगों ने कहा कि मैं ये बताइए, मैं बता रहा हूँ उस समय आदित्य योगी नाथ को प्रशासन में एंट्री करने के लिए वहां की यूनिवर्सिटी ने, छात्रों ने मांग की थी, छात्रों ने पास किया। यहाँ के छात्र से मिलकर आपने मीटिंग की, किन छात्रों के साथ आपने बैठक की? और हमने इलाहाबाद जाने से नहीं रोका, कैंपस में जाने से वहां के प्रशासन ने रोका, हमने नहीं रोका। आप तो मुझे इलाहाबाद जाने से रोक रहे हो सर, आप तो इलाहाबाद नहीं जाने देते। कल मुझे तस्वीर दिखाइए, इलाहाबाद जाने से क्यों रोक रहे थे? पूर्व मुख्यमंत्री जहाज पे खड़ा होकर आपको एक धर्म का काम करने गए तो रोका, धक्का लगा रहा है। अखिलेश यादव गए कुंभ में डुबकी लगाने तो हमने रोका क्या? अरे भैया, देश में देखा कि वो कुंभ में गए रोका, तो आप इतने घबरा गए? लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ी प्लानिंग से आज के साथ आ जाएगा
समाजवादी पार्टी के साथ संत समाज आ जाएगा, इसलिए डर गए आप? गए तो रोका क्या? छात्र तो हमारे साथ है, संत समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, महिलाएं हैं, किसान हैं, पैदा करने की राजनीति करेंगे, डर गए आप? तो इस तरह की विधानसभा राजनीति नहीं करने देंगे, इतना डर गए आप? पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी जहाँ जाती है वहाँ झगड़े होते हैं। आप बांटने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते। आपका काम है लोगों को बांटना, और आप बांटते रहेंगे। बताइए, योगी आदित्यनाथ जोड़ते रहेंगे। बारूद लेके समाजवादी पार्टी की बांटने की नीति को हम कभी भी सफल होने नहीं देंगे। अरे आपके तो बोली में बारूद है, आप इलाहाबाद जाने से आपकी बोली में बारूद है, आपकी बोली में बारूद है। एक एक करके दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा, दर्शकों को समझ आ रहा है। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इससे पहले राजीव त्यागी जी, वाजपेयी जी और मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी के पास भी जाऊं। जरा एक हिस्सा आपको सुनाता, रुकिए। राम गोपाल यादव, आप तो खास तौर पर देखिए शाहनवाज जी, राम गोपाल यादव और विजय गोयल, पता नहीं आप लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा है। चलिए एक बार दर्शकों को जरा दिखाते हैं किस तरह से बातचीत हो रही है। विजय गोयल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चलिए वो मैं उनको साथ में लेके जाता हूं। मतलब अपनी पार्टी के नेता भी समझ नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों रोक रहे हैं। सुनिए सुनिए जरा। तो सॉल्व हो गया है। क्या सॉल्व हो गया है? वो तो हल हो गया ना। अरे आप क्यों लोगों को गुमराह करते हो? जैसे मोदी जी करते वैसे तुम भी करने लगे। सदन आज बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से चल ही रहा था। आपके वहाँ का जो मुख्यमंत्री मूर्खता कर रहा है तो उसका झेलना पड़ेगा ही। हुआ क्या? अच्छा अगर हम कुंभ में जाएं तो हमें रोक लो? कैसे? आपका तो कुंभ पे अधिकार है। तो फिर वही तो जा रहा था प्रयागराज, तो हमारे साथ चले उनको कहें। क्यों चले? आपको प्रोटेक्शन, हम जब चाहेंगे तो सब पुलिस को तोड़ मोड़ के चले जाएंगे। राजीव त्यागी जी क्या लग रहा है, क्यों रोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ? लेकिन ये तो हर जगह की सियासत है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता जी करे तब आपको बड़ा अच्छा लगे कि अमित शाह को वो रोक रही है, और योगी जी करे तो यही काम गलत हो जाए। देखिए ममता जी जब रोक रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं किया था। उस वक्त सड़क पर बैठ के कीर्तन करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको कोई मुद्दा नहीं बनाया था। यदि आप अखिलेश यादव जी इस टाइम मुद्दा बना रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन बहुत स्पष्ट है। हम योगी जी के उस बयान को भी लेना चाहेंगे जिसमें योगी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, तो इसका मतलब उस कसौटी पे कसा जाए। तो योगी जी ने मान लिया कि कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था मेंटेन करने में उत्तर प्रदेश की कामयाब नहीं है, जो कि चिंता का विषय उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के लिए, क्योंकि देश उत्तर प्रदेश आराम से 22 से 23 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। हमारा प्रश्न बहुत मूल प्रश्न है कि आप अगर किसी व्यक्ति को जाने से देने रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके प्रजातांत्रिक राइट्स का हनन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, मेरा सवाल योगी जी से और शहनवाज साहब से है। शहनवाज साहब, 7,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, 2017-18 का 1,343 करोड़ है, इस साल का 5,400 करोड़, जबकि एडवर्टीजमेंट आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दे रहे हैं कि गन्ने किसान को आपने खुशहाल कर दिया, दूसरी बात। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा चरम पर है, उसके बारे में योगी जी क्या कहेंगे, इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है वाजपेयी जी, आपकी बात पे काउंटर पॉइंट कह रहे हैं, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कल प्रियंका गांधी को तो नहीं रोका था, मैं राहुल गांधी को तो नहीं रोका था, पूरा उन्होंने पूरा जुलूस निकाला, यात्रा निकाली, इनको क्यों रोका गया है? देखो चीजों को राजनीति मुद्दे है नहीं, तो अखिलेश बाबू मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब यूनिवर्सिटी ने परमिशन मना कर दी तो आप क्यों जाएंगे वहां पे? इलाहाबाद जाने में रोक नहीं थी सर, आप इलाहाबाद की बात नहीं हो रही है, चैनल पे बैठे हैं तो कम से कम ध्यान दे के आइए। जो राजीव रुकी है इलाहाबाद जाने से रोका है, कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने आपको परमिशन नहीं दी थी कि कोई भी नेता नहीं जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी कंपाउंड के परमिशन के अंदर फंक्शन हो रहा था, और वो इसलिए किया था कि जब आप चुनाव जीते थे तो उसके बाद क्या हड़दंग हुआ था वहाँ पे, और यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस कुंभ में लगी हुई है, कुंभ के मैनेजमेंट में, अर्ध कुंभ के मैनेजमेंट में, तो आप चीजों को समझोगे नहीं, या मुद्दा है नहीं।
विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, तो आप राजनीति यहाँ से शुरू करोगे क्या? ठीक है अनुराग जी, आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद त्यागी जी फौरन आ रही हूं आपके पास प्रियंका वाड्रा के लिए। देखिए इनको शायद शायद वाजपेयी जी तैयारी करके नहीं आए, उनको मालूम नहीं है इलाहाबाद जाने की परमिशन थी सर, सुबह तक परमिशन थी इलाहाबाद जाने की। कैंपस की बात बार बार मत करो, आप इलाहाबाद जाएंगे नहीं, हम इलाहाबाद जाते, अपने छात्रों को बुला लेते प्रयागराज में, उनको कुंभ स्नान कराते, आचार्य नंदगिरी के साथ खाना खाते, वापस चले आते, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा था?